स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड चैप्टर करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स। व्हाट आर कंट्रोल स्टेटमेंट्स? दीज आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू ए कंप्यूटर। ये एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को दी जाती हैं। दीज इंस्ट्रक्शंस आर आल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड सिक्वेंसली। इन इंस्ट्रक्शंस को, इन कमांड्स को हम स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं जो सिक्वेंशली एग्जीक्यूट होती हैं। सिक्वेंशली का मतलब होता है कि वन आफ्टर द अदर इन ए गिवन सिक्वेंस, यानी कि एक के बाद एक करके सिक्वेंस वाइज ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। दिस इज़ अ कॉल्ड सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स देखिए बेटा कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले इसमें आइए, विच ट्रांसफ़र कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू सम अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। एक ही प्रोग्राम के अंदर एक पोर्शन में से दूसरे पोर्शन तक अपने जो डाटा है उसके कंट्रोल को ट्रांसफ़र करना, उसे हम कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं। दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स, डिसीजन मेकिंग, लूपिंग एंड जंपिंग। सबसे पहले देखिए कंट्रोल स्टेटमेंट्स के तीन टाइप्स होते हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, इसके अंदर कौन कौन सी आती है? सिंपल इफ़ एल्स और स्विच केस आते हैं। इफ़ क्या होती है? इफ़ का मतलब होता है यदि। इसमें अगर हम कंडीशन लगा दें कि अगर हमारी जो पहली कंडीशन है वो ट्रू हो गई तो उसको प्रिंट कर देगा, अगर दूसरी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, पहली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फाल्स होगी तो उस दूसरी को प्रिंट करेगा। एक कंडीशन ट्रू होगी तो उसको प्रिंट करेगा, अगर पहली कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरी को प्रिंट करेगा, और अगर हमने तीसरी कंडीशन लगाई हुई है अगर पहली दोनों फॉल्स होगी तो तीसरी को प्रिंट करेगा। इस टाइप से इफ़ में यदि होता है, एल्स का मतलब होता है नहीं तो। स्विच केस में क्या होता है कि अगर हमने एक ही प्रोग्राम के अंदर 4 से 5 फंक्शन एक साथ लगाने तो उस कंडीशन में स्विच केस को यूज़ करते हैं। सेकेंड आती है हमारे पास लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग के अंदर क्या होता है? तीन टाइप्स की होती हैं, फॉर, व्हाइल और डू व्हाइल। इनमें अंदर हम लूप्स के अंदर हम असाइनमेंट वैल्यू और कंडीशनल वैल्यू, थर्ड नंबर पे आता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वैल्यू, इन तीनों के अंदर हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं लूप को। लास्ट आती है हमारे पास जंपिंग स्टेटमेंट। इसके अंदर थ्री टाइप्स की होती हैं, आगे ये ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू। ब्रेक का मतलब होता है जहाँ पे भी आपने ब्रेक यूज़ कर दिया फंक्शन वहीं पे आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। कंटिन्यू का मतलब होता है कि ब्रेक करने के बाद अगर दोबारा आपने उसी लूप को कंटिन्यू किया तो वो चली वहीं से दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। गो टू का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पोजीशन या वैल्यू तक पहुँचाना अपने प्रोग्राम को। कंपाउंड स्टेटमेंट्स और ब्लॉक यूजिंग। कंपाउंड सिंपल स्टेटमेंट्स, कंपाउंड स्टेटमेंट्स, कमेंट स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं, मतलब कि वेरियस टाइप्स की होती हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल देखिए, इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 24। इंटीजर क्या है? डाटा टाइप है, एक्स क्या? वेरिएबल है। फ्लोट एम इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू 3.14। पाई इसमें फ्लोट में दो वेरिएबल ले लिए, एम और पीआई, और पीआई क्या है इसके अंदर? पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 यानी कि 3.14। फिर एम के अंदर कितनी वैल्यू दे दी? 4। और जब यहाँ फार्मूला लगाया तो उसकी जो भी स्टेटमेंट होगी कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आता है कि आपकी कंडीशन एक ही ब्लॉक के अंदर कैसे टेस्ट की जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इफ़ लगाया, स्टेटमेंट फर्स्ट लगाई, सेकंड लगाई, एन तक लगाया। फॉर एग्जांपल देखो, इंटीजर ए और बी दो वेरिएबल लिए, ए इज इक्वल टू 200, बी इज इक्वल टू 476। इफ़ इसमें कंडीशन लगा दी हमने ए ग्रेटर देन बी, कि अगर ए की वैल्यू बी से तो सी में जा कर के सी के आउटपुट को प्रिंट कर दें। नो सेमीकोलन्स पुट आफ्टर इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के बाद कोई भी, इफ स्टेटमेंट ये वाली होती है, इसके बाद कभी भी सेमीकोलन नहीं लगाया जाएगा। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय 2। अब ए की वैल्यू जो भी इसमें हम डालेंगे, बी की वैल्यू जो भी डालेंगे, ए की वैल्यू 200 है, बी की वैल्यू 476 है, उसके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो अगर ये सारी करने के बाद अगर ए की वैल्यू बड़ी है बी से तो उसको सी को प्रिंट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं बेटा। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती हैं? विच आर टू बी एग्जीक्यूटेड डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन कंडीशन। जो ऐसे स्टेटमेंट जो एक कंडीशन के ऊपर एग्जीक्यूट की जाती हैं उन्हें हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। ये तीन टाइप की होती हैं, इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट कौन सी होती हैं? दीज आर यूज टू कैरी आउट अ डिसीजन डिपेंडिंग अपॉन ए सर्टेन कंडीशन और टेक्स्ट
टेस्ट एक्सप्रेशन, टेक्स्ट एक्सप्रेशन और किसी कंडीशन के ऊपर हम इसको रन करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। सिंपल इफ स्टेटमेंट होती है, इफ एल्स होती है, नेस्टेड इफ होती है, एल्स इफ लैडर और कंस्ट्रक्ट भी होती है। इफ में क्या होता है, सिंपल द सिंपल इफ स्टेटमेंट इज़ द मोस्ट पावरफुल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट ब्लॉक ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर इफ स्टेटमेंट लगा रहे हैं तो उसमें एक ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी और उसकी वैल्यू को वो प्रिंट करा देगा। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम देखते हैं बेटा। ब्लॉक डायग्राम में क्या है, यहाँ पे आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया, कंडीशन लगाई, ट्रू होगी तो आपकी स्टेटमेंट ब्लॉक हो जाएगी, अगर फॉल्स होगी तब भी आपकी स्टेटमेंट प्रिंट होगी, क्योंकि हमने उसके अंदर एल्स नहीं लगाया, सिंपल एक इफ़ की कंडीशन लगाई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एग्जांपल में, इफ़ एक्स ग्रेटर देन जीरो सी आउट पॉजिटिव नंबर, और या फिर ऐसे लगा सकते हैं इफ़ एक्स ग्रेटर देन जीरो सी आउट इज इक्वल टू इतना वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, फिर आपकी वैल्यू आ जाएगी। एक ही कंडीशन इफ़ लगा रहे हैं तो उसके अंदर हमें, जैसे ये प्रोग्राम मैं दिखाती हूँ आपको, इसमें समझाती हूँ, आई स्ट्रीम डॉट एच कोने डॉट हेडर फाइल लगाई, वर्ड में लिया, फ्लोट पे लिया, करेक्टर में ग्रेड लिया, क्लियर स्क्रीन लगाई, सी आउट में क्या लिख दिया, एंटर द परसेंटेज ऑफ ए स्टूडेंट, सीन में पी, यहाँ यानी कि इस बच्चे की परसेंटेज डालनी है, पी डालनी है, और यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दी इफ़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 80, अगर पी की जो बच्चा है उसकी जो परसेंटेज है वो ग्रेटर दैन 80 से बड़ी है या उसके बराबर है तो ग्रेड कौन सा प्रिंट कर दे, ए, और सी आउट फिर क्या प्रिंट कर देगा, ग्रेड। ये खाली ई इफ स्टेटमेंट है। अगर इफ एल्स के साथ हम इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पे देखो कंडीशन लगाई, अगर फॉल्स हो जाती है तो पहली, तो अगर ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेगा, अगर पहली फॉल्स हो जाती है तो स्टेटमेंट सेकंड करेगा। पहली कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उसको प्रिंट करेगा, अगर फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट दूसरी को प्रिंट करेगा। इसमें हमने एल्स लगाया, इसका एग्जांपल दिखाते हैं मैं आपको। पहले हेडर फाइल्स लगाई, वर्ड में लिखा, इंटीजर लिया, सी आउट में एंटर ए नंबर किया, सी एन, आर इजकल टू एन मल्टीप्लाई, एन में जो भी वैल्यू आएगी अगर वो टू से डिवाइड होने पे जीरो दे देता है तो वो किसको प्रिंट कर देगा, इवन वैल्यू, अगर वो जीरो नहीं देता तो क्या प्रिंट कर देगा, ओड वैल्यू। इफ़ में लगाया कि अगर आर इज डबल इक्वल टू जीरो, आर की वैल्यू जो है अगर डिवाइड होके जीरो से जो भी वैल्यू आती है तो उसे हम इवन बोलेंगे, एल्स अगर वो डिवाइड होके पूरी नहीं आती तो हम इसे क्या बोलेंगे, ओड। जैसे कि एंटर ए नंबर इज इक्वल टू 7 डाला उसने, एन में कितनी वैल्यू डाली, 7, अभी 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता इसलिए कौन सी वैल्यू कहलाएगी, ओड, अगर ये डिवाइड हो जाती तो इवन कहलाती। ठीक है, एक एग्जांपल और दिखाती हूँ मैं आपको। टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर, दो वैल्यू में से ग्रेटेस्ट वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पे हेडर फाइल्स वर्ड में लिया, इंटीजर में गए, ए बी दो वेरिएबल ले लिए, ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, दोनों की वैल्यू डाल दी, ए की भी बी की भी, फिर हमने क्या कंडीशन लगाया, इफ़ ए ग्रेटर दैन बी, अगर ए की वैल्यू बी से तो क्या कर देगा, ग्रेटर दैन बी, ए इज़ ग्रेटर दैन बी तो ए को प्रिंट कर देगा, एल्स बी इज़ ग्रेटर दैन ए फिर बी को प्रिंट कर देगा। इस टाइप से एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, पहले डाली ए में 7, बी में डाली 4, ए इज़ ग्रेटर दैन बी, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर दैन बी है तो फिर क्या प्रिंट कर देगा, ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ये लाइन प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है, और नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है, एक ही कंडीशन के अंदर एक से ज़्यादा इफ़ और एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करना, उसे हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट बोलते हैं। इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ, ये देखिए, हैंडर फाइल्स ली, वर्ड में लिया, इंटीजर ए बी सी जी, चार वेरिएबल लिए, क्लियर स्क्रीन लिया, एंटर द 3 नंबर, 3 वैल्यू डाल दी ए बी और सी के अंदर। अब इसमें सबसे पहले कंडीशन क्या लगाई, इफ़ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए की वैल्यू बी से तो ए को प्रिंट करेगा। सेकंड कंडीशन क्या लगा दी, ए ग्रेटर देन सी, पहले बी ये चेक करेगा कि ए की वैल्यू है कि नहीं बी से, सपोज करो नहीं है, फिर वो चेक करेगा कि ए की वैल्यू सी से तो नहीं बड़ी है, अगर बड़ी है इन दोनों में से तो जी को इज इक्वल टू ए को प्रिंट कर देगा, एल्स क्या प्रिंट कर देगा, सी को, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी है तो ए को प्रिंट कर देगा, अगर बी से बड़ी नहीं है तो दूसरी कंडीशन चेक करेगा, सी से बड़ी है तो सी को प्रिंट कर देगा। और तीसरी क्या लगा दी हमने इसके अंदर, बी ग्रेटर देन सी, अगर ए का वाला पोर्शन चल जाएगा तो बी की वैल्यू बड़ी है सी से तो बी को प्रिंट करेगा, नहीं तो सी को प्रिंट करेगा। इस टाइप से आप देखो इसमें 3 वैल्यू डाल दी, अब ग्रेटेस्ट नंबर इज़ कितना आ गया, 35 मतलब कि इन तीनों में तीनों कंडीशन चेक करने के बाद जो आंसर आएगा उसे उसको वो प्रिंट कर देगा। एल्स इफ लेटर में क्या होता है, इन द प्रोग्राम इन्वॉल्विंग मल्टीपल टेस्ट कंडीशन यूज़ ऑफ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स मेक द प्रोग्राम वेरी डिफिकल्ट टू राइट एंड अंडरस्टैंड। इसके अंदर कंडीशन के अंदर मल्टीपल टेस्ट कंडीशन लगाई जाती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देख लो आप, इफ़ डे डबल इक्वल टू 1
सी आउट संडे, एल्स इफ डे इज इक्वल टू टू सी आउट मंडे, अप टू इसने कहाँ तक कर दिया, सैटरडे तक। अगर एक से लेके सेवन तक आप नंबर डालोगे तो आपके ये डेज प्रिंट कर देगा, नहीं तो क्या प्रिंट कर देगा, इनवैलिड डे। अगर आपने आठ नंबर डाला तो आपको क्या मैसेज आ जाएगा, इनवैलिड डे का। ये बेटा आज हम इतना यहाँ पे रिवाइज करेंगे, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।